अच्छा दिखाने के लिए देश का अरबों खरबों रुपया एडवर्टाइजमेंट में बर्बाद कर रही है। और मैं फिर वही शब्द कहता हूँ कि गधे को कितना भी साबुन से नहला लो, गधा गधा ही रहता है, घोड़ा कभी नहीं बन सकता। अंदर पहुंचे एक दिन संसद भी जाएंगे, तो जाने कौन देगा, रोकेगा कौन? सरकार है? देख जिस दिन किसान जाना चाहेगा, किसान ने 26 नवंबर को कहा था दिल्ली जाऊंगा, 26 नवंबर को कहा दिल्ली जाऊंगा, 4 लाख ट्रैक्टर और 25 लाख किसान दिल्ली गया, किसान ने कहा कि जंतर मंतर जाऊंगा, कल जंतर मंतर गया। लेकिन कल तो आप इतनी घेराबंदी से जंतर मंतर पहुंचे। अरे घेराबंदी, सरकार डरी हुई थी 200 किसानों से, दिल्ली डरती है किसान के ट्रैक्टर से, तब अपनी गाड़ियां दी। किसान कौन सा अशांति करता है ये बताइए मुझे, 8 महीने बॉर्डर पे बैठे बैठे हो गए बिल्कुल शांतिपूर्वक, पूरी दुनिया का सबसे शांतिप्रिय आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन आज तक ना हुआ और शायद हमारे जीवन में तो आगे होगा भी। आप कह रहे सरकार डरी थी, कल तो ये देखा जा रहा था कि किसानों को इतनी पाबंदी में ले जाया जा रहा था, बस में चेकिंग की जा रही थी, तो सरकार डर गई। ये डर ही तो था। सुरक्षा किसकी होती है? किसान डरता नहीं है, कितना कमजोर है किसान जो इनसे डर जाएगा, इतना कमजोर मान लिया तुमने किसान को? अरे किसान तो वो है जो शेर को भी कुत्ता समझ के दंगा ले, इनकी तो औकात क्या? सरकार भी तो वहाँ डर गई, सरकार भी तो अड़ी है। क्या अड़ी है? सरकार भी कल फिर से नरेंद्र सिंह तोमर जी को कह दो कि जो 3 काले कानून है उस पर बाद में बात कर लेंगे, बाकी मुद्दों पे बात करें, भेजा निमंत्रण करे, MSP पे गारंटी के कानून पे बात करे, बिजली वाले पे बात करे, पराली वाले पे बात करे, स्वामीनाथन रिपोर्ट पे बात भेजे निमंत्रण, हमारे किसान तैयार हैं आने के लिए। और अगर वो नाटता है, अब निमंत्रण नहीं भेजता है, तो कौन डरा, कौन डरा? पत्रकार महोदय बता, कौन डरा बता भाई, पत्रकार कौन डरा? बुलाया कहाँ है, ऐसे बुलावा आता है? अरे किसी को हम शादी का निमंत्रण भी भेजते हैं तो उसको बताते हैं कि आपको इस तारीख को इस स्थान पे आना है, बारात में ये जगह है, समय ये है, तो उनसे कहिए कि विज्ञान भवन में बात करनी है या PMO में बात करनी है, वहाँ का पास भेजे, तारीख और समय भेजे। पहले भी तो 11 बार विज्ञान भवन में गए, लेकिन आप लोगों ने मानी कहाँ थी कोई बात? क्या पहले जब आप विज्ञान भवन में 11 बार गए, कभी मानी बात आपने? सरकार ने मानी हमारी, मतलब उनकी मान लेते तो फिर हम यहाँ लेने के आए थे, हमारी ना मानी उन्होंने। देखिए बिल किसने बनाया था? बनाया सरकार ने, तो वापस कौन लेगा? सरकार, ना तो हमने बिल बनाया ना हमने मांगा। लेकिन वो तो कह रहे संभव नहीं है वापस करना। क्यों संभव नहीं है? यही तो झगड़ा है इस देश में, असंभव क्या है? देश का प्रधानमंत्री बदल जाता है, देश का राष्ट्रपति बदल जाता है, पूरी संसद बदल जाती है, ये 2 पैसे का कागज नहीं बदलेगा। फायदा बताते क्यों नहीं, क्या है इससे फायदा? मंडी खुलेंगी, कहाँ बंद हो रहोगी? महाराष्ट्र में, उसमें मध्य प्रदेश में, जब से ये कानून आया, पिछली बार की बता रहा हूँ, धान की 43 मंडियाँ बंद हो चुकी हैं, 153 मंडियाँ ऐसी हैं जिनमें 50% से कम की खरीदी हुई है। अब उत्तर प्रदेश में आ जा, जो तुझे स्मार्ट सिटी या नंबर 1 प्रदेश लग रहा, कानपुर के अंदर चला जा, क्योंकि अभी एक ही जगह की याद रहेगी, कानपुर में चला जा और पूरे उत्तर प्रदेश की सुन, 3-4 महीने ये जो गेहूं का धान का सीजन चला, 285 या 295 मंडी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जिनमें केवल 60 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है, केवल 60 करोड़ का, और 90 करोड़ का खर्चा है। और पिछली बार, और जब हुआ है 60 करोड़ का, जब ये कह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा MSP खरीदी गई है, और पिछली बार 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कारोबार हुआ था, तो बताइए, और इस 60 करोड़ में भी जो उसके मंडी की दुकान है उनका किराया विराया लगा के सब 60 करोड़ हुआ है, तो बताइए किसान को है? ये उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, आज तक एक सच बता दे, 2014 से आज तक बोल रहा हो,
एक नाकाम प्रधानमंत्री और नाकाम मुख्यमंत्री को।